IMF का वफद आज पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तानी हुकाम ने मुज़ाकरात का शेड्यूल तैयार कर लिया। कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त 1 अरब 10 करोड़ डॉलर जारी करने पर बात होगी। 6 से 8 अरब डॉलर के नए कर्ज प्लान पर भी मुज़ाकरात होंगे। IMF मिशन, वजारत खजाना, तवानाई, FPR, स्टेट बैंक, प्लानिंग कमीशन और पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम से बातचीत करेगा। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब आलमी इदारे से बड़ा और तवील प्रोग्राम लेने के ख्वाहिशमंद। बोले IMF शरायत की वजह एतमाद का फुकदान है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए थोक, परचून, रियल इस्टेट और ज़रिए आमदन टैक्स नेट में लाएंगे। बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल वसी करने के लिए इकदाम होंगे। गौर व खौज के बजाय नफाज शुरू होगा। IMF को खतूत के बाद बानी PTI का यूरोपीय यूनियन से राबता मकरू अमल है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि PTI की जानिब से एक ऑनलाइन पेटिशन में कहा गया कि बानी PTI को जेल में सहूलियात मैसर नहीं, यूरोपीय यूनियन GSP प्लस स्टेटस वापस ले। बानी PTI जेल में शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। सिक्योरिटी वजूहत पर सिर्फ अडयाला ही नहीं बल्कि DG खान और मियांवाली जेल में भी पाबंदी लगाई गई। मजीद कहा कि मईशत की बहाली के लिए वजीर आजम दिन रात कोशा हैं। IMF से कर्ज की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। अगला प्रोग्राम तवील मुद्दती चाहते हैं। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्टी है या नहीं? क्या सदारती, सेनेट स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है? पेशावर हाई कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में अटॉर्नी जनरल से सवाल। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने दलाइल दिए, सियासी जमातों को इलेक्शन से कबल लिस्ट जमा कराना पड़ती है। दरख्वास्त गुजार पार्टी ने तो जनरल इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। अदालत ने कहा कि पार्लियामेंट में नुमाइंदगी न रखने वाले पार्टी में अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार चला जाए तो क्या होगा? मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट फराहमी का तरीक़ाकार इलेक्शन एक्ट में मौजूद नहीं। फारूक एशनाइक ने दलाल दिए कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक ही नहीं है। अली जफर और बाबर आवान की अदम मौजूदगी और वक्त मांगने पर 5 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील की सरजनश की। बानी PTI से मुलाकात की इजाजत के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद की दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। फरीकैन अदालत पहुंच गए। उधर अलामा नासर अब्बास की अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीनी अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी कर दिया, 15 मार्च तक जवाब तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी बानी PTI से मुलाकात के लिए रोक दिया गया। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी वजूहात पर अडयाला जेल में मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी। महकमा दाखिला पंजाब के IG जेल खानाजात को मुरासले में कहा गया कि दहशतगर्द ग्रुप टारगेटेड हमले कर सकते हैं, बिला ताखीर सिक्योरिटी इकदाम किए जाएँ। अली अमीन गंडापुर की नाहली की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी कर दिया, समाअत 26 मार्च को होगी। मोहम्मद कफील नामी शहरी ने वज़ीर आला KP पर असासे छुपाने का इल्ज़ाम लगाकर नाअहल करने की इस्तदा की। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज अली रिजवी ने समाअत से मुआजरत कर ली। अदालत आलिया ने फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को वापस इरसाल कर दी। पंजाब के 18 शहरों में स्मार्ट सेफ सिटीज बनाने का मुआहदा तय पा गया। वजीर आला पंजाब की मौजूदगी में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और NRTC के दरमियान मुआहदा हुआ। मुल्तान, भावलपुर, साहिवाल, मियांवाली समेत दीगर शहर शामिल होंगे। पंजाब टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी का बोर्ड अस्सर-ए-नौ तश्कील देने का फैसला। मरियम नवाज की हर इंडस्ट्रियल सेक्टर की तलब के मुताबिक कोर्सेज डिजाइन करने की हिदायत। सेहत से मुतालिक इजलास में वजीर आला की मरीजों को उनकी दहलीज पर अदवियात पहुंचाने की हिदायत। मरियम नवाज बोली कि सरकारी कैंसर अस्पताल में हर स्टेज के मरीज का इलाज होगा।
सिंध काबीना के अरकान ने हल्फ उठाकर वजारतों के कलमदान संभाल लिए। शर्जील इनाम मेमन महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट के वजीर मुकर्रर, डॉक्टर अजरा पेचेहो को सेहत व बहबूद, नासिर हुसैन शाह को महकमा तवानाई और तरक्यात का कलमदान सौंपा गया। जाम चोरो महकमा आबपाशी व खुराक, सईद गनी बल्दियात और जियाउल निजार को वजारत दाखिला मिल गई। बाबुल भैयो, एहसान मजारी और नजमी आलम वजीर आला के मुशीर मुकर्रर, महकमा इतलात, खजाना, अकलियत अमूर, महबूद निस्वा के कलमदान किसी वजीर को नहीं दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट्स को अफ्तार से सहरी तक खुला रखने की इजाज़त दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने समोक के तदारुक से मुतालिक गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। माहौलियात से मुतालिक स्कूल के बच्चों को हफ्ते में एक रोज़ प्रैक्टिकल कराने की हिदायत। अदालत ने लस्को को दरख्वास्त दरख्त काटने से पहले PHA को आगाह करने का भी कह दिया। रमज़ान और मुबारक का आगाज होते यूटिलिटी स्टोर्स पर रश बढ़ गया। आवाम की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए पहुंची तो सिस्टम भी बैठ गया। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम की डाउन होने वाला लिंक जल्द बहाल होने की यकीन दहानी। मजीद कहा कि सब्सिडी के साथ अशिया की क्वालिटी भी उम्दा है, जिसके बायस रश बढ़ा। रहमतें और बरकतें समेटने का महीना, मुल्क भर में आज दूसरा रोजा। सेहरी के लिए घरों और होटल्स पर खुसूसी इंतजामात किए गए। 92 न्यूज की ट्रांसमिशन रहमत रमजान में आज नमाज तहज्जुद और नमाज तरावी की फजीलत पर रोशनी डाली गई। मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी, अल्लामा मोहम्मद अशफाक मदनी और प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद खान ने सेर हासिल गुफ्तगु की। शेर मियादाद की कवाली ने सहर ट्रांसमिशन को चार चांद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मईशत की बहाली के लिए अपना प्लान मीडिया के सामने रख दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि IMF प्रोग्राम को नई सतह पर ले जाने के लिए तैयार हैं। मज़ीद जानते हैं इकराम होती से। जी इकराम, क्या प्रोग्राम सामने आया उनकी जानिब से? जी, उन्होंने जो मीडिया को बताया वो ये है कि GDP की ग्रोथ जो है सबसे ज्यादा लाजिम है और इसका ताल्लुक जो है महसूलात से है और तिजारत बढ़ने से है और इसका ताल्लुक बजट के खसारे कम होने से भी है और साथ ही नजकारी का अमल तेज करने से भी है। लिहाजा पाकिस्तान जो है IMF से अब $6 अरब चाहता है, लेकिन इतना बड़ा पैकेज हासिल करके पाकिस्तान को भी कुछ शराइत पूरी करनी पड़ेंगी। इस पैकेज के बजट पर बहुत ज्यादा असरात होंगे और IMF हुकाम थे इस सिलसिले में कल से संजीदा मुजाकरात शुरू हो रहे हैं। तमाम ज्यादा अहमियत बजट साजी के लिए भी मुजाकरात की होगी। महंगाई का सबसे बड़ा मसला महंगाई जो है वो सबसे बड़ा मसला बन चुका है और इसका हल जो है स्टेट बैंक की पॉलिसी से मुंसलिक है। स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है कर्जे देने की, उन पे जो सूद की शरह है उस पे नजर